राज्यसभा का रुख कर लेते हैं। गृह मंत्री के बयान के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए और उसी का जवाब गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस पर दे रहे हैं। How can I encourage? Then everybody wants. No, that is not permitted. No, he is raising only now. He could have raised it. This started at 11:15. 30 minutes he did not raise the hand. He is raising now. No, sit down. That way, I am not allowing you. Sit down. See, this kind of... I didn't see that. Sit down. No. Sit down. No, I am not allowing. No more I can allow. See, it cannot be like this. You understand? See, no. I am not allowing you. No question. No. That way it will not work. No, it is not going on record. No, see, I was here. The question issue started at 11:15. 30 minutes. At least in 5 minutes or 10 minutes, you should give me the name. You should raise the hand. Every hand... Everyone's name is written here. And now after 30 minutes you are... No, I cannot allow. You see so many demands are sir, there. I'm not sir, allowing anybody, please, honorable please minister. Yes. Nothing? No. Sit down. I am not allowing. Not allowing. Aadha ghante ke baad aap poochte hai. Pehle kya karte the? So rahe the. Sunna hai. Kya? Bole. Please, honorable minister. Bahut achhi hindi. डिप्टी चेयरमैन सर, सबसे पहले तो इस सदन के सभी दलों के नेताओं के प्रति और पूरे सदन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर जो एकजुटता इस सदन ने दिखाई है, यह केवल इस सदन की एकजुटता नहीं है बल्कि यह डिप्टी चेयरमैन सर की हमारे देश की एक एकजुटता है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आतंकवाद जो हमारे देश पे भी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है, उस आतंकवाद की जड़ों को उखाड़ने में हम लोग पूरी तरह से कामयाब होंगे, यह मेरा भरोसा और विश्वास है। आज मेरे द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट पर हमारे नेता प्रतिपक्ष जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी और हमारे डेरेक ओबराय साहब और मायावती बहन और रामगोपाल जी, दिलीप जी और हमारे सम्मानित शरद यादव जी, श्री नवनीत जी कृष्ण, श्री माजिद मेनन साहब, डी रजा साहब, कनी मोजी जी और भूपेंद्र यादव जी और हमारे जनाब आनंद शर्मा साहब, इन सब सारे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं समझता हूं कि बहुत सारे प्रश्नों का अलग अलग उत्तर यदि मैं दूंगा तो लंबा समय लगेगा, इसलिए संक्षेप में ही मैं अपनी बात यहां पर रखना चाहूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो यह बात कही है कि आतंकवाद के सवाल पर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नेताओं ने भी हमारी कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मुझे यह कहने में रंच मात्र भी गुरोज नहीं है कि हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे वह किसी भी दल के रहे, आतंकवाद को इस हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है और हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जितनी भी प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया जा सकता है वह सभी ने किया है। और आज के भी प्रधानमंत्री जी उसी प्रकार, उसी दृढ़ता के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। अब हमारी वहां पर जो स्पीच थी, कवर की गई कि नहीं की गई और कवर करने की ऐसी परंपरा पहले रही है कि नहीं रही है, नहीं की गई तो क्या डेलिबरेटली नहीं की गई, इसका उत्तर देना इस समय हमारे लिए कठिन होगा। हाँ, इतना क्योंकि मैं तो स्पीच दे रहा था, मैंने नहीं देखा कि उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यह सच है कि भारत से जो दूरदर्शन और एएनआई के रिपोर्टर और हमारे पीटीआई के रिपोर्टर्स थे उनको अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी, यह सच। और वहां के मंत्री के द्वारा अथवा वहां की सरकार के द्वारा मर्यादित व्यवहार मेरे साथ हुआ कि नहीं हुआ,
डिप्टी चेयरमैन सर, यह बोलने में मुझे संकोच है, उन्हें जो करना था उन्होंने किया, मैं उस संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता और मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन हमारे भारत का सवाल यहां तक है कि मेहमान नवाजी में भारत की एक सारी दुनिया में साख है, हम अपनी उस साख को हमको बनाकर रखना चाहिए और इसके प्रति हमको अपनी प्रतिबद्धता। ये हाँ, ये बात सच है कि मीटिंग समाप्त होने के बाद दोपहर की जो होस्ट थे वहां के गृहमंत्री जी ने, उन्होंने सबको लंच पर आमंत्रित किया, लेकिन लंच पर आमंत्रित करने के बाद वो तुरंत गाड़ी पर बैठे और चले गए। तो मुझे भी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, देश की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करना था वो मैंने भी किया। लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं डिप्टी चेयरमैन सर कि मुझे इसको लेकर कोई नाराजगी नहीं है। मैं वहां भोजन करने नहीं गया था, प्रदर्शन का जो भी वहां पर प्रदर्शन चल रहा था भारत के खिलाफ और हमारे हमारी विजिट के खिलाफ पाकिस्तान की, वो प्रदर्शन चल रहा था। पहले यह तय किया था कि मैं बाई रोड रावलपिंडी एयरबेस से होटल जाऊंगा, सेरेना होटल, लेकिन शायद वहां के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स में अंत में यह फैसला किया कि नहीं, मुझे बाई हेलीकॉप्टर ले जाना चाहिए। तो होटल के पास में एक हेलीपैड था, वहां पर बाई हेलीकॉप्टर वो ले गए। लेकिन हेलीकॉप्टर से उतरकर जब मैं होटल जाने लगा तो कई स्थानों पर लोग 100, 50, 25, 10, 5 की संख्या में लोग खड़े थे और उनका अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। लेकिन आप तो जानते हैं श्रीमंत, यदि विरोध की यदि चिंता रही होती शायद मैं पाकिस्तान जाता ना। लेकिन उन्होंने किया, लेकिन अपनी तरफ से ऐसा कोई अवसर भी नहीं आया कि मैं यह विरोध दर्ज कराऊं अथवा यह मैं बात अपनी बात वहां पर रखूं कि मुझे आना था तो क्यों पाकिस्तान में विरोध हुआ। यह सब कुछ मैंने नहीं किया, कोई विरोध दर्ज वहां पर मैंने नहीं कराया। वहां जो होना था वो हुआ है। और एक बात कि हमारी जो स्पीच ब्लैकआउट कर दी गई, अब वहां पर क्या इसके पहले परंपरा रही है उसके बारे में मुझे विदेश मंत्रालय से विस्तृत जानकारी लेनी पड़ेगी। क्या परंपरा रही है, उस परंपरा की जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संबंध में तो कुछ मैं नहीं कह पाऊंगा। और जहां तक बीएसएफ की बात है, रामगोपाल जी ने पूछी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बार बार अनुमति लेने की जरूरत न पड़े। डिप्टी चेयरमैन साहब, सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसी प्रकार के निर्देश हैं, संयम से काम लें, संयम से काम लें। गोली भी अपनी तरफ से चलाने की जरूरत नहीं है, पहल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि चल जाती है तो उसके बाद क्या करना चाहिए इसके लिए अनुमति भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक बिल्कुल स्टैंडिंग ऑर्डर है, यह पहले से ही यह ऑर्डर है। वैसे हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह बात तो बहुत ही प्रचलित है, सारे हिंदुस्तान में क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रचलित है कि दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। और हमारे प्रधानमंत्री इस समय मोदी जी, उन्होंने भी जिस तरीके से दरियादिली दिखाई है, उसके पहले जो प्रधानमंत्री जी हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी जाकर माने एक प्रकार से अपनी सहानुभूति भी व्यक्त कर दी कि पाकिस्तान इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ केयर, माने जितना सब कर सकते थे अधिकतम सम पड़ोसी के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने किया है। लेकिन विडंबना यह है अध्यक्ष महोदय कि हर के बावजूद यह पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। लेकिन ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि परमात्मा सभी को सद्बुद्धि दे, सभी एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए खड़े हों।
और इतना ही कहते हुए और मैं पुनः सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।